कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना कहाँ से शुरू हम करें फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करें फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। आजादी गुना है बताया गया था, आजादी गुना है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना के इस बेहद खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार। आजादी के बारे में हम अक्सर बातें किया करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के क्रांति की जो मशाल थी उसमें ज्वाला कहाँ से आई, आखिर कैसे फूटी क्रांति की चिंगारी जो देखते ही देखते ज्वाला बन गई। दरअसल फिरंगियों के खिलाफ बिगुल तो 1857 की क्रांति में ही फूंक दिया गया था, जब सैनिकों ने फिरंगियों के बनाए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। बस जरूरत थी तो सबको एक होने की, और सबको एक करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई तिरंगे ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे को बनाया कैसे गया, आखिर किस किस की अहम भूमिका रही तिरंगे को बनाने में, और क्या क्या किस किस ने योगदान दिया इसमें? बिल्कुल, तो प्रसार भारती का केंद्रीय अभिलेखागार आज संघर्ष के उन्हीं पलों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है, और आज हम बात करेंगे आजादी के इस तीसरे अस्त्र राष्ट्रीय ध्वज के। '57 में सिपाही विद्रोह ने आजादी की पहली क्रांति को जन्म दिया। उस समय हमारा देश बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। फिरंगियों के खिलाफ इन रियासतों को एक करने में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कामयाब रही तो वो था एक ऐसा ध्वज जिसने विविधताओं और विभिन्न धर्म संस्कृतियों वाले देश के निवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। लेकिन इस ध्वज को तिरंगा बनने में काफी समय लगा। आइए जानते हैं तिरंगा बनने की इस कहानी को। ध्वज किसी भी राष्ट्र की पहचान और अस्मिता का प्रतीक, जिसकी रक्षा के लिए देशवासी अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था और हर राज्य का अपना अलग अलग झंडा था। जब अंग्रेज यूनियन जैक फहराते हुए सूरत बंदरगाह पहुंचे तो पहली बार भारत को महसूस हुआ कि क्यों ना हमारा भी एक ध्वज हो जो समूचे देश की अस्मिता का प्रतीक बन जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद यूनियन जैक की जगह एक अलग ध्वज ने ले ली। इस ध्वज में एक शेर ब्रिटिश क्राउन को उठाते हुए दिखाया गया था। अंग्रेजों का यह ध्वज भारतीयों को आसानी से स्वीकार नहीं हुआ और इसे मादरे वतन की सरजमी से उखाड़ने के प्रयास निरंतर होते रहे। दक्षिण भारत में किठोर की रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह किया। सन 1855 में बंगाल में सन्यासी आंदोलन और संथाल विद्रोह ने अंग्रेजों के ध्वज को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। उधर बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी हुकूमत का तख्तापलट की शुरुआत की कहानी के लिए केवल दो ही शब्द काफी हैं, तिलका मांझी।
सन 1750 में संथाल परिवार में जन्मे तिलका मांझी ने अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। परंतु ये सभी आंदोलन ब्रितानी हुकूमत के द्वारा कुचल दिए गए और यूनियन जैक का दबदबा कायम रहा। ब्रिटिश के आने से पहले देश में सैकड़ों छोटे छोटे रजवाड़े मौजूद थे, जिसके कारण एक ध्वज संभव नहीं था। परंतु सन 1857 के सिपाही विद्रोह ने, या जिसे कह सकते हैं स्वतंत्रता की पहली क्रांति ने, पहली बार एक नई भावना को जन्म दिया। हमें अपनी अस्मिता की पहचान हुई और राष्ट्रीयता का एहसास हुआ। अलग अलग राज्यों के बावजूद सभी ने बहादुर शाह जफर को शाहे आलम माना और एक ही झंडे के नीचे जगह जगह देश में विद्रोह हुए। इस झंडे का रंग हरा था, जिस पर कमल और रोटी अंकित थी। हालांकि इस विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया गया, परंतु इस विद्रोह से देश में एकता का सूत्रपात हुआ। हमारे देश की आन बान शान है तिरंगा, एक राष्ट्र की पहचान है तिरंगा। तिरंगे को हम नमन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला तिरंगा कैसा था और इसे किसने फहराया था? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला तिरंगा फहराया गया था सन 1906 में बंग भंग की पहली सालगिरह पर, और इसे किसने फहराया था ये जानने के लिए चलते हैं आगे। हमारा प्रथम राष्ट्रीय ध्वज स्वदेशी आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा 1906 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, परंतु कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें एक ही धर्म विशेष का वर्चस्व था। 7 अगस्त 1906 को बंग भंग की पहली सालगिरह पर पारसी बागान में पहला तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसे सचिन प्रसाद बोस ने प्रस्तुत किया था। यही झंडा दादा भाई नौरोजी ने सन 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में फहराया था, परंतु तिरंगे झंडे के साथ मैडम भीकाजी कामा का नाम पर्याय बन गया। सन 1907 में जर्मनी के ईस्ट वर्ल्ड शहर में आयोजित सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे वीर सावरकर और श्यामजी वर्मा ने डिजाइन करने में सहयोग दिया था। यह झंडा तीन रंगों का था, सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में सुनहरा भगवा रंग और सबसे नीचे लाल रंग था। इस झंडे में भारत की धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से हरा रंग इसलिए चुना गया था कि इसे इस्लाम में पवित्र माना जाता है। भगवा बौद्ध और सिखों की आस्था का प्रतीक था और लाल रंग हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। देश के 8 प्रांतों को ध्वज पर पंक्तिबद्ध 8 कमल चित्रों से दर्शाया गया था। मध्य में सुनहरे शब्दों में देवनागरी में वंदे मातरम अंकित था और लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा की आकृतियां अंकित थी। इस झंडे को 22 अगस्त 1907 को बंगाल के युवा शहीदों को समर्पित करते हुए मैडम भीकाजी कामा ने कहा था कि ये झंडा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बलिदान की याद में उनको भेंट किया जाता है। आजादी की लड़ाई में उमड़े जनसैलाब ने स्वाधीनता संग्राम को एक नया मोड़ दे दिया, वहीं तिरंगे ने देशवासियों में नव जागृति का संचार कर दिया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आजादी की इस लड़ाई में एक नए ध्वज को प्रस्तुत किया। कैसा था ये ध्वज और क्या थी इस ध्वज की विशेषता? खास बात यह रही कि इस ध्वज में यूनियन जैक को भी तरजीह दी गई। आखिर ध्वज में यूनियन जैक को जगह देने के पीछे की वजह क्या थी, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फहराए जाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अमेरिका में भारतीय गदर पार्टी ने भी तीन रंगों के राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था।
सन 1917 के बाद भारत के स्वाधीनता संग्राम ने एक नया मोड़ ले लिया। होम रूल लीग की लोकप्रियता के कारण जन ज्वार उमड़ पड़ा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस आंदोलन के आधार स्तंभ थे। उन्होंने एक नया ध्वज प्रस्तुत किया। इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। सप्तऋषियों के प्रतीक के रूप में 7 तारे बाईं ओर ऊपरी भाग में यूनियन जैक और दाहिनी ओर चांद तारांकित था। इस ध्वज को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। यूनियन जैक को अपने झंडे पर अंकित करना राजनीतिक समझौते का प्रतीक माना गया, जो होम रूल आंदोलन के लक्ष्य को परिभाषित करता था, जिसका मकसद संपूर्ण स्वराज नहीं था। अपने सीमित उद्देश्य के कारण ये आंदोलन और ये ध्वज भी मुल्क के आम जन की स्वीकृति नहीं पा सका और अंततः समाप्त हो गया। झंडे में वक्त के साथ साथ कई बदलाव होते गए और जिस समय आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था उस समय झंडे की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, लेकिन लोगों की प्रेरणा बन चुके चरखे को अभी इसमें जगह दी जानी बाकी थी। चरखे को तिरंगे के पटल पर जगह मिली 1921 में, जिसके बाद शुरू की गई दांडी यात्रा और असहयोग आंदोलन ने फिरंगियों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के युवक ने 2 रंगों का एक झंडा गांधीजी को भेंट किया। लाल और हरे रंग इसमें 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे और बीच में बड़ा चक्र प्रगति के रूप में अंकित था। सन 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार चरखा अंकित झंडा फहराया गया। गांधीजी की सहमति पर लाल और हरे रंग के साथ सफेद पट्टी और लगा दी गई। इसी झंडे के नीचे महात्मा गांधी ने 26 जनवरी 1930 को दांडी यात्रा की थी। इसी झंडे के नीचे असहयोग आंदोलन हुआ। धीरे धीरे इस ध्वज को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया और ये आम जन में लोकप्रिय हो गया। राजा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज और देवदास गांधी का एक प्रतिनिधि मंडल 11 मार्च 1922 को मां नर्मदा के शहर जबलपुर पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल के स्वागत के लिए नगर पालिका ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, जिससे समूचा देश उठ खड़ा हुआ और 5 मार्च तक देश पूरी तरह आंदोलित रहा। किन्हीं कारणों से ये स्वागत समारोह तिलक भूमि पर आयोजित हुआ, जहां राजा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय झंडे की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा के लिए सर्वव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया। को विद्यार्थियों के 2 दल बनाए गए, एक दल जिला कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराए और दूसरा दल चौक में जो घंटाघर है वहाँ तिरंगा झंडा फहराए। दिल्ली प्रदेश के ही लाल पन्न भगत सिंह बिजली की फुर्ती से कैसे वो उस जिला कचहरी की इमारत पर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ का यूनियन जैक निकाल करके फेंक दिया और तिरंगा झंडा लगा दिया। और जब उन्होंने ये किया तभी अंग्रेजी फौज ने जो है उन पर गोली चलाई और वो शहीद हो गए। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट ने टोपी पर ही तिरंगा बना लिया। उनके पीछे बहुत सी टोपियां होली। तिरंगे और गांधी टोपी का ऐसा मेल अपने आप में अनूठा था। और
और आइए अब बात करते हैं झंडे की लोकप्रियता को लोगों के जुबान पर लाने वाले उस गीत की, जिसे लिखा था कानपुर के एक स्वतंत्रता सेनानी ने। कौन था वो स्वतंत्रता सेनानी और कौन सा था वो गीत जो देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ गया और पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया। वो गीत था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी कानपुर के श्यामलाल गुप्त पार्षद ने तब झंडा गीत लिखा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। आजादी के उन तूफानी दिनों में सुब्रमण्य भारती ने तमिलनाडु में स्वतंत्रता का शंखनाद किया। भारती के साथ यह विशेषता थी कि संयोग से उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। उन्होंने पूरे भारत के साथ अपने को जोड़ लिया था। बहन निवेदिता से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी और उसके बाद दक्षिण भारत में बैठ करके उन्होंने स्वतंत्रता के लिए पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, अपनी देशभक्तिपूर्ण कविताओं के द्वारा, भाषणों के द्वारा और सामाजिक सेवा की के क्रियाकलापों के द्वारा जनता में चेतना और नया जोश और उत्साह भर दिया था। भारती के सामने पूरे भारत का चित्र था और उनके लिए सभी वर्गों और जातियों के लोगों के ऊपर उन्होंने गाया है। आर्य भूमि की का चप्पा चप्पा जमीन उनके लिए पवित्र थी और इस भूमि से प्रेम करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविताओं से प्रेरणा मिलती है और बंगाल में जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम का गान किया था, उससे उसको मूल मंत्र के रूप में अपनी कविताओं में उन्होंने उजागर किया और घर घर में यह गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। वंदे मातरम एन்போம் எங்கள் மாநிலத்தாயை வணங்குது மென்போம், वंदे मातरम एन்போம் बोलेंगे हम वंदे मातरम, करेंगे वंदना मातृभूमि की। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर राष्ट्रीय झंडे तले देश एकता के सूत्र में बंधा था। आम लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर नारा दिया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। देशभक्तों ने इस समय क्या क्या नहीं सहा, ब्रिटिश शासन की बर्बरपूर्ण लाठियां, ठोकर और गिरफ्तारी, परंतु तिरंगे झंडे की शान को कोई आंच नहीं आने दी और साइमन खाली हाथ वापस लौट गया। 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी के तट पर हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत मुक्ति संग्राम ने नए प्राण फूंक दिए और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 को इस जरूरी घोषणा के मौके पर पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया और देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि पूरा देश 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रमुख बात ये रही कि इस आंदोलन में अब महिलाएं भी हजारों की संख्या में घरों से बाहर निकलकर शामिल हो रही थीं। उस समय में तो विद्यार्थी नहीं थी, तो हम जुलूस निकलते थे, पिकेटिंग होता था, ऐसे ऐसे जो प्रवृत्तियां चलती थी, और उस समय मैं भावनगर में रहती थी तो इसमें हम शामिल होते थे। मगर हमारे आजू बाजू कई लोग थे जो सीधे उसमें शामिल थे, जेल में गए, उसके ऊपर लाठियां चली, कई सालों तक जेल में गुजारे। हमारे को जरा एक आदत थी ये आजादी के गाने गाने की, तो बस उससे गा लेते फिरते रहते। ऐ रक्त गुलाल से भर दे झोली, आज हमारी होली। ऐ रक्त गुलाल से भर दे झोली, आज हमारी होली। 8 अगस्त 1942 का दिन बंबई में प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेज अब भारत से चले जाएं, क्योंकि अब करो या मरो का वक्त आ गया है, जिसका देश के सभी बड़े नेताओं ने खुलकर समर्थन किया।
महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए आम जनता से अपील की कि देश और झंडे की शान के लिए मर मिटो। रह रहकर याद आएंगी सन 42 की कुर्बानियां। पटना सचिवालय के निकट आते ही सन 42 की घटनाएं निगाहों में घूम जाती है। 11 अगस्त 1942, हजारों छात्रों का दिल सचिवालय पर तिरंगा लहराने को मचल रहा है। विद्यार्थियों के मतवाले दल आगे बढ़ते हैं। गोलियों की आवाज, पुलिस ने बर्बरता से गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसमें उमाकांत सिंह सबसे आगे हैं। 7 जोशीले नौजवान इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में देखते ही देखते शहीद हो गए। कहते हैं झंडा फहराने वाला कोई माली था, देश की क्यारी को अपने लहू से सींचने वाले ये सभी स्वनाम धन्य हैं, और अनाम मालियों की कहानी यही तो लिखी गई। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के साथ देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उबाल आने लगा था। ४५ की शुरुआत में रॉयल इंडियन नेवी ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। विद्रोहियों ने इमारतों से और बैरकों से यूनियन जैक उतार फेंका और अपना झंडा फहरा दिया। गांधी जी ने कहा, पहली चीज उन्होंने कही कि अपने मन से भय को निकाल दो, और जब तुम भय को निकाल दोगे तो तुम समझोगे कि तुम स्वतंत्र हो गए। और सचमुच ऐसे ही हुआ, लोगों ने अपने दिल से भय को निकाल दिया। अब न उन्हें जेल से डर था, न उन्हें लाठीचार्ज से डर था, न उन्हें गोलियां खाने से डर था। एक अदम उत्साह, एक अपनी आजादी की ऐसी भावना पैदा हो गई कि जिसने देश की काया पलट कर दी। भारत की आजादी का निर्णय 3 जून 1946 को हुआ। और 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अगस्त को लाल किले की प्राचीर से यूनियन जैक उतारकर तिरंगा झंडा फहराया गया। माँ से बड़ी है मातृभूमि, उसके लिए किया गया कोई भी बलिदान कम है।
प्राणों का उत्सर्ग भी कम, सर्वस्व समर्पण भी कम। देश के लिए कुछ कर गुजरने का ये प्रवाह अपनी निरंतरता लिए आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम अमर शहीदों की खातिर आंखों को गंगा कर लेंगे, ईमान तिरंगा कर लेंगे, दिल जान तिरंगा कर लेंगे। हमने आज के अपने इस खास कार्यक्रम में बात की आजादी में इस्तेमाल किए गए तीसरे अस्त्र राष्ट्रीय ध्वज की। आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doordarshanarchive@gmail.com। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के एड्रेस हैं, हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ddarchives, हमारा ट्विटर हैंडल है www.twitter.com/dd_archives, हमारा यूट्यूब एड्रेस है www.youtube.com/c/ddarchive, हमारा इंस्टाग्राम एड्रेस है www.instagram.com/ddarchivesindia। दूरदर्शन अभिलेखागार की एक्सक्लूसिव डीवीडीज और सीडीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एड्रेस है www.prasarbhartiarchives.co.in। यही नहीं, आप इसे Amazon की वेबसाइट www.amazon.in से भी खरीद सकते हैं। ये DVDs और CDs आप हमारे दूरदर्शन के प्रमुख केंद्रों, आकाशवाणी केंद्रों, दिल्ली हाट और नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कहां से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहां से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। आजादी गुना है बताया गया था, आजादी गुना है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया।